इक्कीस सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ के अंतर्गत आज हम लोग का चैप्टर है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और इस पर आधारित कौन कौन से मैथ होते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर पर। तो आज हम लोग का चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी कि भिन्न होता क्या है, यानी जो p बटा q के रूप में हो, p बटा q के रूप में हो, जहाँ p क्या होता है न्यूमरेटर। जैसे यहाँ अगर 3/4 लिखे तो 3/4 क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ। जो ऊपर इसको p मान लिए, इसको q मान लिए, तो p बटा q के रूप में हुआ। ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में अंश कहते हैं। जबकि नीचे वाला क्या कहलाता है, डेनोमिनेटर कहलाता है। डेनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी भिन्न जो p बटा q के रूप में हो, जहां p क्या होता है न्यूमरेटर होता है, तथा q क्या होता है डेनोमिनेटर होता है, यानी हर कहलाता है। अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि जो भिन्न है उसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ये क्या है, तो जिसका अंश हर से छोटा हो, वैसे फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसका अंश जो हो वो हर से क्या हो, छोटा हो। जैसे 2/3, तो यहाँ देखिए हर बड़ा है अंश छोटा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। 2/3 क्या हो, अंश हर से छोटा हो, याद हो जाएगा। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो, जिसका अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल दें तो 6/3 या 5/2, तो देखिए यहाँ पे आपको ये अंश दिख रहा है वो हर से क्या है, बड़ा है। जिसका अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसको संयुक्त संख्या कहते हैं, जिसका अगर इसका हम अगर इम्प्रॉपर को अगर हम ये जो है फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स में बदलें, तो इसको हम पहले डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार कटेगा, 4 1, तो ये आगे लिखाता है, नीचे वाला ऊपर लिखाता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं तो ये हो गया आंसर। यानी कि ये किस में हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन बनते हैं, जब उसको संयुक्त रूप में बांटते हैं तो क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब है कि ये मेनली 3 टाइप्स था, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ये जो है ये भिन्न के एक समूह है। जैसे कि अगर इसको हम करें लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन मतलब वैसे भिन्न या वैसे फ्रैक्शन जिसका सबका हर बराबर हो, सबका हर बराबर हो। जैसे लाइक फ्रैक्शन में यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, तो यहाँ सबका हर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यहाँ सब, जिसका सब हर बराबर हो तो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, वैसा फ्रैक्शन, वैसे फ्रैक्शन का समूह जिसमें जो हो हर बराबर ना हो, जैसे 2/4, 3/5, 5/8, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन जिसका सब हर यानी कि न्यूमरेटर क्या हो, इक्वल हो। अनलाइक क्या होगा, जिसका हर जो हो वो बराबर ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब होता है यूनिट फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन का समूह जिसका अंश जो हो यानी न्यूमरेटर जो हो वो 1 हो। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये सब जो है सब का देखिए अंश बराबर है, तो ये सभी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएंगे।
और ये आगे है मिक्स फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। अब जो है फ्रैक्शन पर, ये जैसे फ्रैक्शन का जोड़ होता है, फ्रैक्शन का घटाव, फ्रैक्शन का भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और भिन्न की तुलना, इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो बारी बारी से हम सब पर एक बता देता हूँ कि किस तरह से, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी मैं मिटाऊंगा इसको और बता रहा हूँ। तो देखिए पहला है भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ किस तरह से बनता है, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, 3/2 है, तो इसको जोड़ा जाता है। और जोड़ा उस तरह से नहीं जाता है जैसे कि हम लोग ऐड सबट्रैक्ट करते हैं। इसका नियम है कि नीचे का जो होता है ना एलसीएम निकाला जाता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 हो गया, ये जितना ये एलसीएम आए इससे इंटू करते हैं, 3 2 6 तो 2 2 4 प्लस 2 3 6 3 3 9 यानी कि 13/6 हो गया, यानी 3 2 6 2 2 4 2 3 6 3 3 9 यानी इस तरह से। तो भिन्न का जोड़ आधारित ये आता है। उसके अलावा दूसरा है भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव ये किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे 5/3 है माइनस 10/3 है या 3 10/9, तो इसका एलसीएम 9 हो गया, तो 3 3 9 तो 5 3 15 माइनस 9 1 9 तो 10 1 10 घटेगा 5/9, तो ये क्या हो गया भिन्न का घटाव। उसके अलावा तीसरा होता है भिन्न का गुणा, भिन्न का गुना, भिन्न का गुना जो होगा वो डिफरेंट होता है, जैसे 5/3 है 9/15 है, तो इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता, इसमें या तो हम क्रॉस काट सकते हैं नीचे ऊपर, नहीं तो इस तरह से काट सकते हैं, कभी भी ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे नहीं काटा जाता है। तो अगर देखिए 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में, 3 3 से कट गया कुछ नहीं, 1/1 इसको 2 बार। और यदि न कटे, मान लीजिए ऐसा आ जाए और ये कटे ही नहीं, 3 आ जाए, अब ये नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे 9 आंसर। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन बदलना चाहते 1.5/9, तो इस तरह से आंसर लिख दिया जाता है। उसके बाद है भिन्न का भाग, चौथा होता है भिन्न का भाग, भिन्न का भाग। इसमें भी सिंपल है, अगर 3/6 डिवाइड 5/9 हो इस तरह से हो, या इसको और आसान करते हैं तो 12/9, तो डिवाइड में बहुत आसान है, इसको इसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इसको 3/6 है, इसको इंटू करेंगे तो 9 ऊपर 12। याद रखिएगा जब डिवाइड इंटू में चेंज होता है तो इधर का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, इसको पलट दिया जाता है, तो 9 ऊपर 12 नीचे, इससे कट गया 4 बार में, इस ये कटेगा 3 से 2 3 जा 3 3 जा यानी अब नहीं कटेगा, तो 3/8 आंसर। तो इस तरह से भिन्न का हम भाग बनाते हैं, कितना भी बड़ा होगा उसका ये मेथड है, बेसिक मेथड अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक चीज हमेशा फ्रैक्शन में पूछा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में तो हमने बदलने के लिए सिखा दिया कि अगर ये 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो तो किस तरह से बदल सकते हैं, इसको पहले 7 को 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 3 6 1, और ये आगे लिखाता है इसको जो शेष बचता है उसको ऊपर, जिसे भाग उसको नीचे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल होती है। तो इस तरह से अगर मिक्स फ्रैक्शन को, अगर मिक्स फ्रैक्शन को मानिए, देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन है 3 पूर्णांक 2/5 है, इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है
तो इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। याद रखिएगा 5 3 15, अब 15 और 2 कितना आ जाएगा 17/5। यानी कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो ये दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 3 5 15 और 2 17/5, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसके अलावे इससे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है भाग भिन्न का की तुलना। मान लीजिए अगर 2/3 है और 5/4 है, अब ये पूछेगा कि कौन बड़ा है, इसकी तुलना करने के लिए बोला जा रहा है इसमें कौन बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 4 2 8 और 5 3 15, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये बड़ा, इसका मतलब कि ये जो है 2/3 से बड़ा है 5/4। अगर ये छोटा हो जाता, अगर इधर बड़ा हो जाता तो इधर ये बड़ा हो जाता। अगर एक और इस पर आधारित क्वेश्चन में बता देता हूँ कि मान लीजिए 3/5 है और 1/2 है, तो इसको गुना करेंगे 6 और इधर करेंगे 5, तो इधर बड़ा हो गया, इसका मतलब भी बड़ा है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम भिन्न की तुलना करते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अगर कितना भी बड़ा हो तो उसे हम करके क्या कर सकते हैं, आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है एक हमारा आवर्त रेकरिंग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेकरिंग समझना जरूरी है। ऐसा सिंपल अगर रेकरिंग हो, अगर मान लीजिए 0.5 पर रेकरिंग हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 5 है और इसके बाद कोई संख्या, तो जिस पर रेकरिंग होता है उसके बदले 9, यानी 5/9 आंसर हो गया। परंतु देखिए यहाँ 2.334 है, इसका मतलब 2 × में चला जाएगा और 334 जो है ना, तो जिस पर रेकरिंग रहता है उसके बदले 9 लिखा जाता है, जिस पर नहीं हो उसके बदले अगर दशमलव के बाद है तो 0, तो 2 को पद नहीं है तो 2 0 बैठ गया। और ये जो 33 है, 334 में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इसमें से 2 × हो गया, घटा 301/900। यहाँ पे देखिए 2 को पर रेकरिंग है तो क्या होगा, ये पहले 3 तो आ जाएगा मिक्स में और उसके बाद 645 में से 6 क्या हो गया, माइनस, क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है, इसके बदले 99 और यहाँ से क्या हो गया, एक ही संख्या दशमलव के बाद, तो ये 0 हो गया। अगर यही चीज अगर इस तरह से रहता 6 4 5 5 इस पे, तो इसको हम सिंपल लिख सकते थे 3 × 4 6 4 5/999 आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेकरिंग को बदलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा और बहुत बेसिक है, बहुत कम शुरू से स्टार्ट किए हैं, फिर हम लोग लेवल जैसे बेसिक मैथ खत्म होगा तो फिर हम इससे चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आएंगे, ट्रिक पे भी बताएंगे और लॉन्ग मेथड भी बताएंगे कि किस तरह से। तो बेसिक ये था हमारा फ्रैक्शन का चैप्टर। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।